नेताजी चले थे नेतागिरी करने और खुद ही फंस गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ये राजनीति, ये चुनाव क्या कुछ ना करवाए, और जब चुनाव नजदीक हो तो नेताजी का फैंटम अवतार तो देखने को मिल ही जाता है। और कुछ यही देखने को मिला कानपुर में, जहां सपा विधायक अपने समर्थकों के लिए पुलिस से भिड़ गए। यहां तक तो आपको सुनने में ठीक लग रहा होगा कि भाई ये तो होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन बात ये है कि मास्क लगाने को लेकर ये सारा बवाल हुआ। सपा विधायक इरफान सोलंकी ये हंगामा करते हैं। दरअसल विधायक साहब के एक समर्थक का मास्क ना लगाने को लेकर चालान काटा गया। उसने विधायक साहब से गुहार लगाई, फिर क्या था, विधायक जी समर्थकों के साथ चमनगंज थाने पहुंच गए और शुरू कर दिया हंगामा। देखिए गजब हाल है, खुद विधायक जी और उनके कई चेले चपाटे भी मास्क नहीं लगाए हैं और पुलिस से उलझ रहे हैं। फिर क्या, पुलिस ने उनका भी चालान काट दिया। फिर तो विधायक जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बात थपका मुक्की तक आ गई, धमकी भी दे डाली विधायक जी ने। लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, विधायक जी जनप्रतिनिधि होने का ढोल पीटते रहते हैं, चेली चपाटे जय जयकार करते रहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहीं इस मुद्दे पर पुलिस कमिश्नर के पीआरओ सेल ने एक प्रेस नोट जारी करके विधायक के चालान और दोनों दारोगाओं को 1000 का इनाम देने की जानकारी दे दी। तो विधायक जी पहुंच गए कमिश्नर साहब के यहाँ अपनी बात लेकर। मुलाकात के बाद बाहर आए तो देखिए क्या कहते हैं। विधायक जी कल एक वीडियो वायरल हुआ, क्या पूरा वो वीडियो था और आज किस लिए मुलाकात? सही देखिए, आज सबसे पहले तो मैं 2 मास्क लगाया हूँ, अब इसको भी देख लीजिए, क्योंकि कल इन्होंने मास्क ना लगाने पे मेरा चालान करा, उसके लिए आज मैं आ गया, मैं 2 मास्क लगाया। देखिए कल जो वीडियो आया उसके बाद जो अखबारों में न्यूज़ आई कि उनको इनाम दिया गया विधायक जी का चालान काटने पे, जबकि वहाँ पे विवाद मेरा था ही नहीं, और ये बात आपने अखबारों में ना ही मीडिया में दिखाया, हो सकता है जानकारी ना हुई हो, ये भी हो सकता है आपने जो पुलिस के द्वारा जो प्रेस नोट जारी हुआ आपने उसी पे न्यूज़ बना दी हो। विवाद मेरा नहीं था, विवाद था किसी आदमी का चालान काटने में। मैं आप पत्रकार हैं और मैं आपको ही इसके लिए कहता हूँ, आप भी भगवान को साक्षी मान के कह दीजिए कि आपके पास फ़ोन नहीं आता होगा, भाई मुझे रोक लिया आपके छोटे भाई ने, तो आप भी फ़ोन मिला दे दो शिष्टाचार में, यार छोड़ दो। तो ऐसे मैंने उससे कहा, वो मुझसे कहने का मैं बहुत बड़े अधिकारी का रिश्तेदार हूँ, बहुत सम्मानित पद पे बैठे व्यक्ति का रिश्तेदार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। हमने यार विधायकों से कैसी बात करते हुए वो, फिर मैं वहाँ पहुँचा क्योंकि छेद का मामला था और कोई भी अनजान आदमी किसी ने भी फ़ोन मिला वो बदतमीजी करने का। अब पुलिसकर्मी अगर वर्दी पहन लेगा तो क्या गरिमा भूल जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई 15 साल से विधायक है और ऐसा नहीं है कि हम नए हैं, वो भले हो सकता है नया हो, हो सकता है वो नया आया हो पुलिसकर्मी, हो सकता है अंदर ट्रेनिंग हो, पर जब वो शपथ हम लेते हैं वही शपथ कमिश्नर साहब लेते हैं। अब सिपाहियों को क्या शपथ मिलती है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, उसके लिए क्षमा चाहिए, पर उन्होंने बदतमीजी करी, उसकी शिकायत हम हमारे वाजपेयी जी हमारे इमरान साहब हम लोग सब लोग आए, हमने शिकायत करी है, हमारे कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम उसकी जाँच करेंगे और विधायक जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो धक्का देने वाला वीडियो है वो उनको देर रात में प्राप्त हुआ, 1 बजे बाद प्राप्त हुआ और वो घोषणा कर चुके थे, कहें इसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हो गई। चलिए इंसान है, कम्युनिकेशन हो जाता है, उन्हें मैं जांच कराऊं, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, इस बार विधायक साहब 2-2 मास्क के साथ नजर आए। चलिए जो भी हुआ हो, कम से कम मास्क लगाना तो जरूरी समझा, लेकिन सवाल है आपसे विधायक जी कि अगर मास्क आप खुद ही नहीं लगाएंगे और लोगों को इस बारे में बचाएंगे और इस तरह से सड़क पर उतर जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, तो कोरोना का क्या होगा? विधायक जी कोरोना किसी जनप्रतिनिधि या किसी रसूख को नहीं देख रहा है, आपने भी देख लिया होगा। बस एक बात और बताएं कि विधायक कई बार ऐसे हंगामे के सिलसिले में चर्चा में आ चुके हैं, तो
तो कानपुर से ये जो रिपोर्ट आप देख रहे थे ये हमारे सहयोगी रंजन सिंह ने हम तक पहुंचाई है।